हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू की फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? सोचिए, शायद आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि जवाब है इंडिया, बट नहीं, आंसर है कंबोडिया। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है और इस मंदिर का नाम है अंगकोर वाट। चलिए बताइए, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? जी नहीं, ये भी इंडिया में नहीं है, यह है नॉर्थ अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित, जिसका नाम है स्वामीनारायण अश्वरधाम। अब आते हैं तीसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? जी हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान में स्थित है और ये मंदिर स्थित है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। फैक्ट नंबर टू, गैस, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के साथ माँ सरस्वती, विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी और शंकर भगवान के साथ माँ पार्वती को दिखाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, लेकिन प्रकृति में किसी भी चीज की रचना के लिए बीज या अंडे की जरूरत होती है और हमें बीज को देखकर उससे उगने वाले पौधे के बारे में ज्ञान मिलता है और सभी जीवों में ये काम डीएनए का होता है, इसीलिए बीज के साथ ज्ञान का होना आवश्यक है। बीज के देवता यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है और यहाँ पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी है और विष्णु जी इस पौधे को जीवित रखने का काम करते हैं, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड के पालनहार है और ब्रह्मांड में किसी भी पौधे को जीने के लिए रोशनी, पानी, खाद जैसी चीजें चाहिए होती है। वही दूसरी तरफ मनुष्य को जीने के लिए मकान, धन, ऐश्वर्य आदि की जरूरत होती है, इसीलिए सुख संपन्न की देवी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ हमेशा रहती है। वही सृष्टि का विनाश भगवान शिव करते हैं, इसीलिए उनको शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए माँ दुर्गा के रूप में शक्ति हमेशा उनके साथ रहती है। फैक्ट नंबर थ्री, गाइस, हमारे देशों के मंदिरों में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाई देते हैं जिन्हें साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसकी सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर के शीर्ष में लगा हुआ ध्वज हर वक्त हवा के उल्टी दिशा में लहराता रहता है। लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे जरूर कोई दिव्य शक्ति है। इस मंदिर के ऊपर कोई एरोप्लेन नहीं उड़ता क्योंकि ये मंदिर नो फ्लाई जोन में है, लेकिन आपको ये जान के ताजुब होगा कि इसके ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं उड़ता। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और हैरान करने वाली बात यह है कि दिन के किसी भी वक्त इस मंदिर की कोई परछाई किसी भी दिशा में नहीं पड़ती। इस मंदिर के ऊपर लगा अष्ट चक्र 8 मेटल से बने हुए हैं और इसे विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है और इस पर आज तक कभी जंग नहीं लगी है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अपने दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको ये पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसने अपने कुल संपत्ति के मामले में विप्रो जैसी इंटरनेशनल कंपनीज को भी टेक ओवर कर दिया है और 2.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कुल संपत्ति बना ली है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आया इतना सारा पैसा इस मंदिर के पास। दरअसल इस मंदिर की मैनेजमेंट ने इस मंदिर में निवेश के लिए एक डीमैट अकाउंट खोला था। उसके बाद शेयर इन्वेस्टर्स ने इसमें 13,000 करोड़ रुपए तक 2019 तक इसमें निवेश कर दिया था और अब 2022 में वो निवेश बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए तक हो चुका है, यानी कि 3 साल में 3,000 करोड़। और यही नहीं, पिछले 3 सालों में इस मंदिर में जमा सोना भी 7.4 टन से बढ़कर 10.9 टन हो चुका है और इन सब के पीछे की वजह उनका डीमैट अकाउंट और उसमें हो रहा जबरदस्त निवेश है।